हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। वेल, आज आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में 2% की तेजी और बैंक निफ्टी में लगभग 1.5% की। और आज ये मार्केट को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये फिर से अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही न्यूज़ आई है कि यूक्रेन अब रशिया से बात करने के लिए रेडी, वैसे ही मार्केट में इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और निफ्टी में पिछले 5 दिन में जितनी गिरावट हुई थी उतना रिवर्सल आज अकेले ही आ गया है। तो फिर इससे देखा जा सकता है कि काफ़ी स्ट्रांग बाइंग नीचे से आ रही है। तो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए चाहें तो देख सकते हैं अभी। तो अभी मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है, तो फिर आप अगले वीक का 17,000 के लेवल पर बाय कर सकते हैं ऑप्शन का कॉल। इसमें लगभग आपको दुगना प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट कल भी स्ट्रांग रहता। तभी मैंने आज इसमें 4 लॉट की बाइंग की है और वॉल्यूम्स इसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छे दिख रहे थे, तो मैंने इसमें 4 लॉट अभी खरीदे हैं। और कल स्टार्टिंग फेज़ में मैं इसमें 2 लॉट और खरीदूंगा अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। तो अगर हम आज की करंट बाइंग और सेलिंग को देखें तो फिर हम नेक्स्ट वीक का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट वीक भी हमारा बुलिश हो सकता है अगर मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहती है तो। ऑल्दो अगर बात कर लेते हैं कि आपको अभी किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फिर सबसे पहला मेरा अभी सबसे फेवरेट स्टॉक चल रहा है वो है द्वारिकेश सुगर का। इस स्टॉक में मैंने लगभग 7-8 दिन से लगातार इंट्राडे में 1,000 रुपये से ऊपर कमाया। आज ये अपना न्यू हाई लगाता हुआ दिख रहा है जो कि है 122 रुपये। इसके पीछे तेजी का सबसे मेन कारण है कि ये इथेनॉल भी बनाती है ये कंपनी और इसके ब्रांचेज आउट ऑफ द इंडिया भी बहुत सारे हैं, तो इसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने की आशंका। और ये कंपनी बहुत ही जल्दी आपके पैसों को कई गुना कर सकती है, जैसा कि पिछले साल हमने जेन टेक्नोलॉजीज़ को देखा था कि कैसे उसकी प्राइस 60-70 से सीधा 200+ चली गई थी। और कुछ वैसा ही द्वारिकेश शुगर में भी हो सकता है। तो मैं आपको इसकी एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप इसे बाय कर लें, मगर ये पूरी तरह से आपके ऊपर है बिकॉज पैसा आपका। आज एक ऐसे स्टॉक की बात करूँगा जो कि अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 75% तक करेक्ट हो गया है, लेकिन इस स्टॉक में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है फ्यूचर के लिए। और ये भी एक स्टार्टअप प्लान था तो मैंने इसमें भी आज इन्वेस्ट किया और इसमें SIP का सोच रहा हूँ। आज मैंने इसके 20 स्टॉक खरीदे हैं जिसका नाम है कार्ट्रेड टेक। कंपनी 2021 में ही लिस्ट हुई थी और इसने ऑल टाइम हाई लगा था 1600 का और ये कंपनी अभी 460 तक के प्राइस पे चली गई थी इस गिरावट में। अगर ये अब पूरी तरह से बाइंग के लेवल पे आ चुकी है और इसमें और गिरावट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं और इस पर नज़र बना के रख सकते हैं और धीरे धीरे इसमें पोजीशन बना सकते हैं बिकॉज ये कंपनी अब अप ट्रेंड की ओर जा सकती है। अगर आप इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो इसमें लगातार गिरावट ही जारी थी और इसमें कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं था। अगर इसमें भी आज एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है तो ये आने वाले कुछ वीक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अब बात कर लेते हैं ट्राइडेंट की, जो कि मेरा फेवरेट स्टॉक रहा अभी तक का। इसमें आज फिर से अपर सर्किट लगना शुरू हो गया। इसने काफ़ी दिन आपको मौका दिया कि आप इसमें एंटर हो जाएं, लेकिन अभी तक अगर आप एंटर नहीं हुए तो आपने एक मौका फिर से गवाया है। एक मंथ में ये भी लगभग 17% गिर चुका है, लेकिन अब फिर से ये अपना अपर सर्किट वाला स्कीम रेडी कर गया है और ये फिर से अपर सर्किट में अब चलना शुरू होगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर चुके थे, इन्वेस्टेड रहें और आगे की अपडेट हमारे चैनल पर बने रहो। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर।